किस चीज के कागजात है बताओ मुझे। अम्मी ओ अरिबा आपी समल आपी के शोहर फारिस भाई से कोर्ट मैरिज कर चुकी है। क्या अरिबा कोई बात थी तो घर आ जाती, यहाँ क्यों बुलाया है? बस पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। तुम्हें याद है ना अक्सर कॉलेज के बाद हम यहाँ आ जाया करते थे। ये तो है, तुम्हारी और मेरी दोस्ती कितनी मशहूर थी ना। वो तो अब भी है। तुम्हें इस दोस्ती पे नाज था और मुझे डर। डर किस बात का? कि कहीं ये दोस्ती तुम्हारे या मेरे लिए किसी नुकसान का बाइस ना हो जाए। कौन से ड्रामे देख के आ रही हो? क्या अजीब सी बातें कर रही हो? समल मैं सीरियस हूँ और प्लीज तुम भी मेरी बात सीरियस होकर सुनो। अच्छा बोलो। समल तुम्हें पता है ना मेरी और रोहान की शादी की डेट फिक्स हो गई है। हाँ। और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। क्या इधर उधर की बातें कर रही हो, मेन बात बताओ। दरअसल बात यह है कि मैं रोहान से शादी नहीं कर सकती। क्या? हाँ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। नहीं तुम नहीं जानती अरिबा, कुछ दिनों में शादी है और तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकती। जमल मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बताने की कोशिश की है। अगर पहले नहीं बता सकी तो अब भी मत बताओ, क्योंकि वक्त गुजर चुका है अरिबा। समझ, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, ये मेरे भाई की मोहब्बत का सवाल है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा भाई ऐसी मोहब्बत का क्या करेगा जो चाहत से खाली होगी? रीजन क्या है? समल वो बोलो अरिबा, बताओ कि तुम ये शादी क्यों नहीं कर सकती। दरअसल मैं सादिया, क्या मसला है तुम्हें? क्या क्या हुआ? वो बस उन्हें चक्कर आ गए थे। अच्छा तुम साध्या के साथ रुको, मैं डॉक्टर से खुद बात करके आती हूँ। हाँ साध्या बताओ ना क्या हुआ अम्मी को। घर जाके बात करते हैं अरिबा। आप घर जाके क्यों बात करते हैं, वजह बताओ ऐसे कैसे चक्कर आ गए? कहीं वजह जान के आपको चक्कर ना आ जाए। तुम ना मुझसे कभी कोई सीधी बात नहीं करती, मैं खुद ही अम्मी से जाकर पूछ लेती हूँ कहाँ है अम्मी। अंदर रूम में। आपको कैसी तबीयत है आपकी? सादिया कहाँ है? उसे बुलाओ। कुछ चाहिए आपको मुझे बताएं, मैं लाकर देती हूँ। सुना नहीं तुमने मैंने कहा सादिया को बुलाओ? और तुम तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। क्या मतलब है नजरों से दूर हो जाओ, मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो मेरा है, तुम जैसी औलाद को पैदा किया। अम्मी कैसे बातें कर रही हैं आप, आखिर हुआ क्या है कुछ तो बताएं मुझे। फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ अरिबा, अगर हो सके ना तो हमारी जिंदगियों से भी चली जाओ। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैं तुमसे कहा ना कि चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, आप मुझे बताएं क्या हुआ है। ठीक है तुम नहीं जाती ना
तब मैं जाती हूँ। अम्मी अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आप आराम करें। हेलो मॉम, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ। वो एक्चुअली अरीबा की अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी अचानक से। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, बस सादिया ने कहा कि चक्कर आ गए थे। अल्लाह खैर, मैं और तुम्हारे पापा अभी आते हैं थोड़ी देर में। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद डॉक्टर्स कल तक आंटी को डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर घर पर जा के मिल लेंगे। जी आई थिंक ये बेहतर रहेगा। लेकिन तुम अरीबा से कहना कि इलाज में कोई कोताही ना बरते, हर तरह के टेस्ट करवाएं। जी जी, अब अरीबा से क्या कहना, मैं खुद ही सब देख लूंगी, आप फिक्र ना करें। हाँ ये भी ठीक है जमल, तुम सब अपनी निगरानी में करवाना। अच्छा चलें, अब मैं फोन रखती हूँ, मैं जरा अंदर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से उससे पूछ भी लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो अरीबा की वालदा हॉस्पिटल में। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? पता नहीं, वो कह रहे थे कि कोई चक्कर आ गए थे उन्हें। अल्लाह खैर करे। मैं जरा रूहान को बता कर आती हूँ, उसको भेजती हूँ हॉस्पिटल। वहाँ पे कोई मर्द नहीं है, पता नहीं अरीबा को कोई जरूरत ना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, भेजो उसे वहाँ पे। सुनो नहीं, तुमने मैंने कहा सादिया को बुलाओ। तुम फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ अरीबा, अगर हो सके ना तो हमारी जिंदगियों से भी चली जाओ। मिला ही अम्मी से? हाँ मिला ही। सादिया कोई बात हुई है क्या? अम्मी इतना नाराज क्यों है मुझसे? मुझे तो गलत है कि मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया, क्या हो गया आखिर? वही हो गया जिसका मुझे डर था। सीधा सीधा बताओ ना, क्या हो गया? अम्मी ने आपके और फारिस भाई के कोर्ट मैरिज के कागजात देख लिए। जी मॉम। अब तुम्हें अरीबा का कोई फोन आया? नहीं तो? इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। सब खैरियत है? वो अरीबा की वालदा की तबीयत अचानक खराब हो गई। What? उन्हें अस्पताल ले गए हैं। Really? ठीक तो है ना वो? हाँ वो जमल वहीं पर है, उसका फोन आया था, कह रही थी कि परेशानी की कोई बात नहीं, मगर बेटा फिर भी तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, तुम चले जाओ। मैं भी जाता हूँ मॉम। जा। आंटी आप कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आपने तो हम सबको परेशान ही कर दिया था। मैं भी एक लम्हे के लिए परेशान हो गई थी बेटा। अरीबा भी बहुत परेशान हो गई थी, वो तो शुक्र है कि हम दोनों साथ थे उस वक्त। बेटा बहुत रात हो गई है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घर चली जाओ, तुम्हारे ससुराल का मामला बेटा। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इस हालत में, अरीबा इतनी परेशान है, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। आप परेशान ना हो और अब आप रेस्ट करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, अगले हफ्ते बारात है। देखो रीबा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब ये मत कहना कि मैंने शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है वगैरह वगैरह। मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो।
रीबा क्या हुआ है? हमारे स्वामी क्या हुआ है आंटी को? पता नहीं क्या हो गया उनको। फारिस आप यहाँ? वो मुझे आपको किसने इन्फॉर्म किया? मैंने गलती से कॉल कर दी फारिस भाई को। मैं रुहान भाई को कॉल करना चाह रही थी। ओह अच्छा। आंटी को क्या हुआ रीबा? घबराने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अभी बस एक दो घंटे में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। डॉक्टर ने कहा है कि आंटी ने कोई टेंशन लिया। किस बात की टेंशन? वो तो अब मुझे नहीं पता। तो समल आप ही अम्मी की तो आदत है ना, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। रुहान? रीबा कैसी है आंटी? ठीक है हूँ। समल डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर फिक्र की कोई बात नहीं है तो फिर इतनी परेशान क्यों? अरीबा क्या हो गया है? डॉक्टर ने कहा तो है कि आंटी बिल्कुल ठीक हैं। अभी देखना एकदम से ठीक हो जाएंगी। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। देखो सब भी परेशान हो गए तुम्हारी वजह से। नहीं वो अचानक से बस अम्मी के ऐसे हॉस्पिटल में होने की खबर मिली ना तो मैं बस घबरा गई। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम फिक्र ना करो। फारिस हम फिर घर चले? इतनी जल्दी क्या है? यहाँ रुकने का फायदा नहीं है। वैसे भी रुहान आ गया है तो वो अरीबा के साथ रुक जाएगा। हाँ हाँ आप लोग जाएं, मैं हूँ ना। I'll take care of everything. अरीबा तुम प्लीज टेंशन मत लो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम्म। चलें फारिस। बाज़ औक़ात तुम और तुम्हारे घर वाले इतनी चीप हरकतें करते हैं कि गुस्सा आ जाता है। अब क्या कर दिया मेरे घर वालों ने? रुहान को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तो इसमें बुरा क्या है? वो उनका होने वाला दामाद है। होने वाला है, अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो होने ही वाली है फारिस। अरीबा के खानदान से यहाँ कोई आ जाता आंटी की खबर लेने, रुहान को देखकर क्या सोचता? क्या मतलब है क्या सोचेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगने लगा है ये सारा। आपको बिला वजह ही सब कुछ अजीब लगता है। बात अपनी फैमिली पे आए तो मेरा सब कुछ बिला वजह लगने लगा। अगर आपको मेरी फैमिली की बातें चीप लगती हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं मॉम डैड या रुहान से इस बारे में कोई बात करूंगी। मैं गाड़ी में जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। डोंट वरी, हाँ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मैं जरा आंटी से मिल के आता हूँ। अरे वो दरअसल अम्मी सो रही हैं, मैं उनसे मिलने गई थी ना तो वो कह रही थी कि मुझे नींद आई है, तो बाद में मिल लेना। ठीक है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। जरूरत थी आपको जिमल से ये सब कहने की? मैंने ऐसा क्या कह दिया? यही कि मैं चाहती हूँ कि वो अपने माँ बाप को हमारे घर लाए। तो इसमें ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने? तुम ऐसा नहीं चाहती हो? अम्मी आखिर आपको इतनी जल्दी किस बात की है? तुम्हारी जगह अगर सादिया होती ना तो मुझे कोई जल्दी ना होती, मगर सच पूछो ना मैं तुमसे डर गई। लो मिठाई खाओ। लेकिन ये मिठाई है किस लिए? मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, अगले हफ्ते बारात है। क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखो अब ये मत कहना
कि शादी की तारीख रखते वक्त मुझसे पूछा क्यों नहीं? अरे अम्मी हो क्या गया आपको, एटलीस्ट आप मुझसे एक बार पूछ तो लेती। अरीबा कैसी तबीयत थी अब अरीबा की अम्मी की? आंटी अब बेहतर थी काफी, शुक्र है। लेकिन हुआ क्या था? डॉक्टर्स कह रहे थे कि उन्होंने किसी चीज की बहुत टेंशन ली है। टेंशन? किस चीज की टेंशन? सादिया कह रही थी कि कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कोई बात है। तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना बेटा। उस वक्त मुनासिब नहीं लगा, लेकिन मैं पूछूंगी जरूर। आई थिंक तुमने बिल्कुल ठीक किया ना मुझे, है ना? अच्छा मुझे बताओ, काफी टाइम हो गया, खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? जी आंटी प्लीज, बहुत भूख लग रही है। मैं खाना लगवाती हूँ, तुम लोग आ जाओ। जी हाँ फारिस बोलो। आज क्या हुआ था? अम्मी को सब पता चल गया फारिस। किस बारे में? हमारी कोर्ट मैरिज के बारे में। और किस बारे में? क्या? हाँ चलो अच्छा हो गया। वैसे क्या खाक अच्छा हो गया, घर जाते ही अम्मी सामान बांधकर मुझे घर से निकाल देंगी। लेकिन क्यों अरीबा? क्या मतलब क्यों? मैंने बुरा काम जो किया। बुरा काम क्या मतलब? तुम हमारी शादी को बुरा काम कह रही हो? फारिस अभी ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सुबह बात करेंगे। मिमी आराम से आराम से। छोड़ दो, अम्मी क्या हुआ है? सादिया जी अम्मी, इसे कहो कि अपनी शक्ल गुम करे, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कितनी नफरत सादिया। जाए री बापी, अपनी जिंदगी का तो पता नहीं आपने क्या सोचा है, अम्मी को तो जिंदा रहने दें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने मेरी अरीबा आप ही खड़ी हैं। कम वक्त में किस कदर बदल गई हैं आप। पहले आप खुद तरसे का शिकार हुआ करती थी, अब तो आप खुद गर्ज हो गई हैं। सादिया ऐसी बात नहीं है, फारिस ने पहले खुद पहल की थी और उन्होंने कहा है कि वो जमल से शादी नहीं करना चाहते, और आप उन्हें समझाने के बजाय उन पर कब्जा कर लिया। उनसे इज्तनाब करने के बजाय उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया ताकि आपके हवाले से उनकी पसंदीदगी मोहब्बत में बदल जाए। सादिया ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, आपने सोचा है समल आपी का क्या बनेगा जब उन्हें आपके बारे में और फारिस भाई के बारे में ये सब कुछ पता चलेगा? फारिस ने कहा है कि वो जमल से खुद बात करेंगे। इसे कहो कि अपनी शक्ल गुम करे, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर आपने सोच समझ के जिंदगी के फैसले किए होते ना, तो आप मेरे तन से भी बच जाती और इस परेशानी से भी। मम्मी के सामने मुंह खोला ना तो तुम्हारा ये मुंह तोड़ दूंगी मैं। कुछ नहीं कहूंगी, वक्त आने पे आप खुद बात करेंगी। और मैं देख रही हूँ किस कदर मुश्किलात का शिकार होने वाली है। अपनी माँ की तरह ना
तुम भी कभी मेरा अच्छा मत सोचना। फारिस, फारिस मुझे लग रहा है जैसे हरीबा और सादिया कोई बात छुपा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा? मसलन क्या? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई बात है जो वो लोग छुपा रहे हैं। जमल, तुम अपने दोस्त के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही, मुझे तो सिर्फ महसूस हुआ। और वैसे भी अरीबा ने मुझसे कहा था कि उसे मुझसे कोई खास बात करनी है। क्या बात? पता नहीं, अभी वो कर ही रही थी कि सादिया की कॉल आ गई। हाँ, लेकिन उसने कोई इशारा दिया होगा ना? हाँ, वो कह रही थी कि रोहान। रोहान क्या? नहीं कुछ नहीं, मुझे लगता है कि बस इधर उधर की बातें कर रही थी। आप नाश्ते के लिए आ जाए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। चल। तो मत करें, मुझ पे इतना हौसला नहीं है, मैं मर जाऊंगी। काश तुम मर जाती हरीबा। ऐसा मत बोले अम्मी, मैं तो आपकी बेटी हूं ना। बेटी? तो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी सादिया है। अरे तू तो मेरे किसी गुनाह की सजा है अरीबा। आप मुझे जान से मारना चाहती है तो मार दे, लेकिन ऐसे हास मत कर। मुझे लगता था तू सिद्दी है, हट धर्म है, काम चोर है, बदमिजाज है, बस हर वक्त तू अपनी बात मनवाना चाहती है। अरे मुझे तो कल पता चला मेरी बेटी आवारा हो चुकी है। अम्मी, ये मैं नहीं कह रही अरीबा, अब तो सारा जमाना कहेगा। जिसे जिसे पता चलेगा ना कि तूने अपनी सहेली के घर पर डाका मारा है, अपनी सहेली के शोहर से छुपकर कोर्ट मैरिज की है, सब यही कहेंगे, बल्कि इससे भी बुरे अल्फाज कहेंगे तुम्हें। अम्मी, मैंने कोई डाका नहीं डाला, फारिस मुझसे मोहब्बत करता है। तुझे उसकी मोहब्बत को बढ़ावा देने की क्या जरूरत थी? तो क्यों नहीं पीछे हटी? तूने उसे बाज आ जाने के लिए क्यों नहीं कहा? सुना था डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, पर अरीबा तूने तो अपनी सहेली के घर पर। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अम्मी, जिमल की शादी से पहले मैं और फारिस कोर्ट मैरिज कर चुके थे। क्या? ये सब कब शुरू हुआ था? वो जमल की शादी से बहुत पहले। तो फिर तुमने जमल की शादी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं रोका उसे? तुमने खुद शादी क्यों नहीं की फारिस से? जब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे तो क्यों नहीं रोका तुमने? अभी हालात काबू में नहीं थे। क्या हालात? और ये तुमने तुमने रोहान से मंगनी क्यों की? अभी मैं मजबूर थी, करनी पड़ी। तो अरीबा, अगर वो लोग मंगनी की बजाय निकाह का कह देते तो क्या करती तुम? कर लेती निकाह पे निकाह, कर लेती तुम? बोलो, जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग? वालेकुम सलाम बेटा, क्यों हम लोग नहीं आ सकते?
नहीं क्यों नहीं। अम्मी की तबीयत कैसी? जी अब बेहतर है। अच्छा आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आए अंदर है। अम्मी अभी माफ कर दे मुझे, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दे मुझे। मैं तो माफ कर दूंगी, घर से तो नहीं निकाल सकती, क्या करूं? बेटी हो तुम मेरी, अरे पैदा जो किया है मैंने तुम्हें, कितनी सोचा है, संभल का क्या होगा? मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। माफ कर देगी वो तुम्हें? हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करती है अम्मी। तुम क्यों नहीं उससे प्यार कर सकी रीबा? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया? हाँ, शायद अंदाजा हो मगर एहसास नहीं है तुम्हें। अम्मी रूहान भाई की अम्मी बुआ हैं आपकी खैरियत का पूछने के लिए। अम्मी अम्मी प्लीज कुछ भी करें, ये शादी रोक ले अम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकती अम्मी प्लीज। मुझे नहीं करनी ये शादी अम्मी, प्लीज प्लीज रोक ले। अब कैसी तबीयत है आपकी? जी बेहतर हूँ। मैंने आपसे कहा भी था कि हम शादी के सारे इंतजाम संभाल लेंगे, आप खामखा अपने आप को हलकान कर रही। बस वो थोड़े बहुत काम तो होते ही है ना। जी ये बात तो है। बहरहाल जमल कह रही थी कि वो रोजाना आपके पास आ जाया करेगी, दोनों सहेलियां मिलकर शादी के सारे इंतजाम संभाल लेंगी। शादी? जी शादी के सारे इंतजाम हम सब मिलकर संभाल लेंगे। वो मैं कहना चाह रही थी कि। जी जी कहिए। वो मैं चाहती हूँ कि कुछ अरसे के लिए शादी को मुलतवी कर दें। जी क्यों? मैं खुद को कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रही इसलिए कहा। अरे भाई सारी आपकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, फिर क्या परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। फिर भी एक माँ के 100 अरमान होते हैं। आप अपने अरमान पूरे कीजिए, किसने रोका है आपको? लेकिन लेकिन क्या, आप ही तो चाहती थी कि शादी जल्दी हो, कितनी बार आपने मुझसे कहा था। अब मैं ही कह रही हूँ कि शादी को आगे कर दीजिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आप लोगों को परेशान कर रही हूँ इसलिए आपसे माफी मांग रही। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो शादी जल्दी इसलिए कर रहे थे कि आपका कुछ बोझ बांध सके। अगर कुछ बोझ ऐसे भी होते हैं जिनका वजन बांटने से भी कम नहीं होता। लेकिन ठीक है बहन जी, जैसे आप मुनासिब समझें हम शादी को आगे कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शादी की तारीख आगे हो गई है। हाथ जोड़ने पड़े मुझे उनके आगे। अम्मी सर नीचा करने से तो बेहतर था मैं उनके आगे हाथ जोड़ लेती, इसीलिए हाथ जोड़ लिए।
क्या हुआ मॉम? Is everything okay? तुम्हारी शादी डिले होगी। What? मगर क्यों? अरीबा की वालदा के इसरार पर। पर मॉम उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो शादी के इंतजामात वगैरह नहीं देख सकती। तो मॉम आपने उनसे कहना था ना कि हम मिलकर कर लेते सारी अरेंजमेंट्स। कहा था मैंने, लेकिन वो मानी नहीं। मॉम आपको उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैं चाहती थी समझाना, मगर तुम्हारे पापा ने मुझे बात करने से रोक दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम वहां होते तो तुम भी उन्हीं की बात मानते। मगर मॉम मैं तो अपने सब फ्रेंड्स को भी बता चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, जहाँ 2 हफ्ते कहें वहाँ 2 महीने कह दो, क्या फर्क पड़ता है? अब मजबूरी है ना, क्या कर सकते हैं? अब ऐसा ही करना पड़ेगा। हम तो यहाँ शॉपिंग शुरू करने वाले थे। और नहीं तो क्या? मैं इतने टाइम के बाद पाकिस्तान में कोई शादी अटेंड कर रही थी, तो मेरा ये चांस भी क्या? चांस क्यों क्या? शादी सिर्फ 2 महीने डिले हुई है। और सुनो, मैं तुम्हें 2 महीने तक कहीं नहीं जाने दे रही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात हो रही है भाई, क्यों नहीं जाने देंगे आप इसे? कुछ नहीं अंकल, शादी डिले हो गई है, उस शादी का जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे, अरीबा और रोहान की। क्यों? अरीबा की वालदा ने ऐसा किया। लेकिन क्यों किया? हमें क्या पता। सही बात है भाई, उनका मामला है, हमारा क्या लेना देना। वो जाने, अरीबा की वालदा जाने। नहीं, ऐसी बात नहीं है शुमाइला, हम भी तो कुछ लगते हैं उनके। देखिए, मंगनी तय करते वक्त उन्होंने हमसे पूछा ना, उन्होंने शादी की तारीख तय करते वक्त पूछा, और ना अब ये शादी पोस्टपोन करते वक्त। तो फिर मतलब हम उनके मसले में क्यों टांगड़ आए? जो कुछ भी है, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। आप तो यूं कह रहे हैं जैसे शादी पोस्टपोन नहीं हुई, मंगनी टूट गई है। एक ही बात, आंटी, अंकल भी अरीबा और रोहान की शादी को लेकर एक्साइटेड थे क्या? ये और एक्साइटेड, ये तो अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड नहीं थे। आंटी, कभी कभार आप भी ना कमाल की बातें कर देती हैं। सही बात बता रही हूँ, ऑनेस्टली। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या? हमारे लोन की रिक्वेस्ट पास हो गई। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई? एक्चुअली अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों? राफेल सर, अगर मैं आज आपसे बॉस की हैसियत से नहीं, दोस्त की हैसियत से बात करना चाहूं तो? मैं तो हमेशा से दोस्त ही हूँ आपका, आप ही हमेशा रिफ्यूज कर देती हैं। आज नहीं करूंगी, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। श्योर, आई जस्ट कंप्लीट माई वर्क, फिर हम सुकून से बैठ के बात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। कल तुम जमल को कुछ बताने वाली थी क्या? कुछ नहीं, सब कुछ बताने वाली थी मैं जमल को। ये क्या बेवकूफी करने लग रही तुम अरीबा? तो और क्या करती मैं? ये हल नहीं था इसका, अभी हम इतने मजबूत नहीं हुए। नहीं फारिस, तुम तो कमजोर ही रहोगे, लेकिन मुझे मजबूत होना पड़ेगा, हिम्मत करके सबका सामना करना पड़ेगा। पागल मत बनो अरीबा। तुम तो ऐसा ही कहोगे ना, क्योंकि कल सारी रात तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में नहीं थी, मेरी माँ थी। अगर तुम उस सिचुएशन में होते ना, फिर मैं तुमसे पूछती कि अब क्या इरादे हैं तुम्हारे। मैं जो भी करता हूँ अपने और तुम्हारे फायदे के लिए ही करता हूँ। बस फारिस, तुमने जितना फायदा करना था कर दिया, अब अपना अच्छा बुरा मैं खुद सोचूंगी।
देखो प्लीज अरिबा, शादी तो मैंने रुकवा दी और जैसे रुकवाई है ना ये मैं जानती हूँ, अब आगे भी जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। तुम जो भी करोगी मुझसे पूछ के करोगी। मुझे ऑर्डर मत दो फारिस, अब मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोचूंगी। हेलो हेलो, फारिस किससे बात कर रहे थे? वो किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। वो मेरा मतलब एक दोस्त था। कौन दोस्त? मेरा दोस्त। क्या हो गया आपको डैड? फारिस मैंने तुम्हें बातें करते हुए सुना है, तुम फेमिनिन वर्ड्स यूज कर रहे थे और इंसान जब किसी दोस्त से बात करता है तो फेमिनिन वर्ड्स यूज नहीं करता। किससे बात कर रहे थे? आप इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? बाप हूं मैं तुम्हारा और मुझे हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा हक हासिल है। और मैं आपका बटलर नहीं जो आपकी हर बात का जवाब दूं। फारिस डैड मुझे ऑन मत करें।